अभी बज रहा है 6:15, 6:09। तो अभी मैं जा रहा हूँ, लाइट और साउंड का कुछ प्रोग्राम होता है यहाँ पे वेस्टर्न टेम्पल के अंदर, तो देखता हूँ मैं और कोशिश करूँगा कि बढ़िया सा कुछ नज़ारा देखने को मिले आज। तो आई होप अच्छा ही होगा, और चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया सा देखने की कोशिश करते हैं, और आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा अगर कैमरा अलाउड है तो, अगर नहीं रहा। मुझे एक खास बात पता चली है, ये खजुराहो की जो छोटी छोटी किताबें हैं वो सेल करते हैं यहाँ पे, बट इनके बारे में इन्होंने मुझे एक स्पेशल बताई, बात बताई है कि इनको 4-5 लैंग्वेज आती है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? मेरे को स्पेनिश लैंग्वेज आती है, स्पेनिश, जर्मनी आती है, ओके, फ्रेंच भी आती है, ओके, और चाइना भी आती है, तो कुछ जापानी भी आती है, कुछ एक आध लैंग्वेज का कुछ बोल के बताइए। जैसे स्पेन से बोलते हैं अपन नमस्ते के लिए बोलते हैं ओला, ओला मुई बहन, ओला मुई बहन, उन्हें तो बरातो मज बरातो, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब कि खजुराहो आपको अच्छा लगा, मेरा ये किताब लेना, नमूचो है मज बरातो, मज बरातो मतलब कम कीमत में सही दाम में आपको मिलेगा। अच्छा। ओला उन्हें तो मज बरातो खजुराहो एस्त्री लीबलो लिख खजुराहो टेम्पलो फोटो द स्टोरी मुई बनी तो मज बरातो। लाइट का कुछ इवेंट होता है इवनिंग में 7:40 के आसपास हिंदी में, और 6:30 होता है इंग्लिश में, मतलब 6:30 स्टार्ट होगा इंग्लिश का, अगर आपको इंग्लिश का देखना है तो 6:30 से 7:25 और सेकेंड होता है हिंदी में जो कि 7:40 से स्टार्ट होता है, 7:40 टू 8:35, लगभग एक घंटे का इवेंट होता है, आप कभी भी आइए इवेंट को देखने के लिए। बट ये राजकुमार अंकल हैं, इनसे मैंने ये बुक खरीदी है, बुक्स हैं जिनके खजुराहो के बारे में। तो गाइस मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी यहाँ आते हो यार एटलीस्ट इनसे बुक खरीद लिया करो, सब आप कम से कम एक बार बुक जरूर खरीद लिया करो, ताकि कम से कम ये, अभी मैंने इनसे पूछा तो शायद इनकी ये पहली बुक है जो कि सुबह से लेकर शाम तक जो मैंने ही खरीदी है कोई यहाँ पर, क्योंकि अभी आपको सबको पता है कि लॉकडाउन है, पेंडेमिक है, इस वजह से कोई भी बुक इनकी नहीं खरीद रहा है, बिकॉज कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, कोई टूरिस्ट नहीं है। अगर इन फ्यूचर आप आते हो तो प्लीज़ एटलीस्ट बुक खरीद लो यार, एक खरीद लो। सो भाई यहाँ से लेना होगा आपको एक टिकट जो कि 250 रुपीज़ का होगा लाइट साउंड के लिए, और अभी आज कोई है नहीं, मैं हूँ अकेला, तो अकेले के लेके कर रहे हैं इतना मेहनत। सो 250 ही देना है ना? सो गाइज मैं आया हूँ अकेला यहाँ पे, और ये भैया कर रहे हैं अकेले को, मेरे अकेले को टिकट दे रहे हैं, और अकेला ही देखूँगा मैं आज। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं लाइट का है क्या। तो गाइज यहाँ से है मेन एंट्रेंस लाइटिंग के लिए, और अकेला हूँ मैं यार। सो देखते हैं अंदर का नज़ारा, रेडी जाना है ना? सो ये जा रहा हूँ मैं अंदर, और लाइटिंग का जो शो होता है उसके लिए, वैसे यहाँ पे खजुराहो इस प्लेस में बहुत सारे लोग होते हैं, बट आसपास कोई है भी नहीं, देखने में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले मना कर दिया था चलाने के लिए, बोल दिया था कि आप अकेले हो नहीं चलाएंगे, अब देखते हैं आगे देखने को मिलता है कि नहीं, अलाउ तो कर दिया है, टिकट भी दे दिया है, तो चलते हैं और देखते हैं अंदर। ये सारी की सारी चेयर्स लोग आते हैं, बट यहाँ पर अभी कोई है नहीं, मैं हूँ अकेला, तो देखते हैं। So guys, ये चालू हो गया, देख लो आप, अकेले में चला दिया उन्होंने। एवं प्रकाश कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अकेला हूँ मैं यहाँ पे भाई, कोई नहीं है, देख लो, अंधेरा है चारों तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वाओ मैंने उस स्वर्णिम युग में जन्म लिया जिसमें राजसिक संरक्षण एवं उत्तम कला एक ऐसे गठबंधन में बंध गए कि वास्तुशिल्प जा अब तुमसे विदा लेनी ही होगी,
प्राणनाथ, आपसे बिछड़ कर मैं जीऊंगी कैसे? प्रिये, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी जो बनेगा एक प्रतापी सम्राट और स्थापना करेगा महान। ये है जस्ट मेरे पीछे वेस्टर्न टेम्पल का एंट्रेंस, इस पीछे, और यहाँ से एंट्रेंस लेने के बाद दो, जहाँ पे यहीं पे होता है लाइटिंग वाला शो रात में, जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी, तो लाइटिंग वाला शो भी यहीं होता है, प्लस इसका मेन वेस्टर्न टेम्पल भी यहीं है, कभी भी आओगे पीछे दिख रहा है जो, सो आओ वाला शो ज़रूर देखना एक बार अगर आप खजुराहो में आते हो। इवनिंग में रुकते हो, शाम को होता है, ध्यान रखना। पहले जो शो होता है वो है इंग्लिश वाला, जो कि 6:30 पे होता है 7:25 तक। फर्स्ट शो होता है इंग्लिश वाला 6:30 to 7:25। उसके बाद 7:40 पे होता है हिंदी वाला शो, जो कि 8:35 तक। सो हिंदी वाला इंग्लिश वाला जो भी आपको देखना है, दोनों एक ही है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है, बट मैं कहूँगा कि हिंदी वाला प्रेफर करो क्योंकि फील आता है उसमें। सो हिंदी वाला देखना या इंग्लिश वाला देखना, डिपेंड्स ऑन यू। आई रीच टू माई होटल, जो कि मैंने बुक किया था। अभी पहुँचा हूँ मैं होटल और अभी जाऊँगा अंदर। सो फाइनली अभी मैं पहुंचा हूँ रूम में। सकल की हालत देख लो आप, एकदम हो चुकी है बद से बदतर। तो अभी करूँगा चेंज, चेंज करने के बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद बस सो जाएंगे। तो जितना एक्सप्लोर करना था कर लिया। कल जाएंगे मॉर्निंग में उठने के बाद वाटरफॉल देखने, उसके बाद थक गए आज यार बहुत ज़्यादा। आज है डे टू और अभी मैं उठा हूँ सो के। मैं 5 बजे उठ गया था लेकिन फिर लेट आ रहा हूँ, काफ़ी थक गया था कल, क्योंकि रात में एक अंकल थे 75 years old, उनके साथ बैठ के मैंने बातचीत की, तो काफ़ी सारा कुछ बताया उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में और ये सब। सो टाइम निकल गया, पता नहीं चला, 1:30 हो गया था लगभग रात में। सो अभी सो के उठा हूँ, सो के उठने के बाद अभी होते हैं रेडी। अभी बज रहा है 8:30, तो रेडी होने के बाद लगभग आधे घंटे में या 1 घंटे में निकलेंगे यहाँ से। रेडी होने के बाद कुछ टाइम में मैं रेडी होता हूँ, तब तक निकलता हूँ। तो पूरा सेटअप करता हूँ, अभी सामान पूरा पैक करता हूँ, पैक करने के बाद मिलता है। सो गाइस, ये सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है जो मैं मतलब पैक वैक करना है, तो सामान को करते हैं पैक, सारे सामान को जल्दी जल्दी करते हैं पैक। बैग सारा सामान बिखरा पड़ा है, तो अभी जल्दी जल्दी से करते हैं पैक फटाफट से। पैक करने के बाद तैयार होने के बाद निकलते हैं। सो आई एम रेडी नाउ एंड अभी निकलेंगे। सामान मैंने पूरा पैक कर लिया है, नथिंग इज देयर रूम। सो पैक मैंने कर लिया है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे और पहले जाएंगे वाटरफॉल, वाटरफॉल के बाद आगे जाके देखते हैं। गाइस, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ रनी फॉल एंड अंदर आपको एलिगेटर्स भी मिलेंगे। तो 5 places हैं यहाँ पे देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। 3 places हैं, लिख तो रखे हैं 5। नहीं, एक ही पॉइंट के जो है उसमें 3 नाम है, ठीक है। नेचुरल ट्रेल, कैंपिंग साइट, कैनोपी वॉक। अच्छा, पॉइंट, ठीक है। तो ये है अपने गाइड जो साथ में। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट देन मेक अ यू टर्न। सो ये है गाइड, नाम क्या आपका? राजकुमार यादव। ये है राजकुमार यादव। सो गाइस, कभी भी आते हो गाइड जरूर ले लेना अंदर 5 किलोमीटर जाने के लिए एटलीस्ट। सो दिस इज, हाँ मतलब रनी फॉल के अंदर 5 किलोमीटर जाने के लिए, 3 किलोमीटर आपका रनी फॉल पड़ता है, 5 किलोमीटर ये है मेन एंट्रेंस। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
सर पे ये जो लेफ्ट साइड में खंडर सा दिख रहा है, यहाँ के जो लेफ्ट साइड, यहाँ के जो राजा थे तो उनका ये पैलेस है। जैसे यहाँ पे हल्टिंग के लिए आते थे शिकार के लिए तो रुकते थे, इसलिए इसको हल्टिंग पैलेस के नाम से जाना जाता है जी। शिकार करते थे वहाँ। हाँ और यहाँ पे राइट साइड में जो रिवर है जिसको हिंदी में कर्णावती और इंग्लिश में कैन रिवर बोला जाता है, और इसमें जो रॉक्स दिख रहा है ना स्टोन, ये ग्रेनाइट से जो टाइल्स में यूज किया जाता है। अच्छा ये वही है। हाँ वैसे रनी फॉल में वोल्केनो कैनियन है और उधर पे 5 डिफरेंट इग्नियस रॉक्स मिक्स हैं। अच्छा जी, इंडिया का ग्रैंड कैनियन रनी फॉल मार्बल में यूज होता है ये वाला। हाँ मार्बल जो टाइल्स है ना, रनी फॉल तक तो आप विदाउट गाइड किया सकते हैं, लेकिन अंदर जंगल में नहीं जा पाएंगे तो जो पूरा नहीं घूम पाएंगे। और यहाँ पे ये रनी फॉल्स पॉइंट आ गया है, लेकिन अभी क्या है हम लोग चलेंगे सेंचुरी में, इधर से सीधे, तो अभी हम सेंचुरी में चलेंगे, रिटर्न में रनी फॉल्स देखेंगे जी। अभी हम चल रहे हैं 5 किलोमीटर अंदर कुरकुरा आइलैंड घड़ियाल व्यू पॉइंट जी। ये है